ओके गाइस, ये रास्ता थोड़ा भूल गया। क्या चश्मा ठंडे यहाँ भी बहुत चुका है। गर्म गर्म पराठा आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम अभी है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबा हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? बताइए। अच्छे से जाना। ठीक है। और क्या? और क्या बताइए। ठीक है, अच्छे से जाएगा। निकल रहा हूँ अभी मैं। घर लंच करेंगे। लंच करने के बाद जाएंगे। अभी 12 बज चुका है। लंच करेंगे, उसके बाद 12:30 ऐसे में निकल जाऊंगा यहाँ से। गाइस, लंच हो चुका है। अभी यहाँ पे लीव फॉर्म दिया था कल, तो वो लेके जाना है और गेट पास भी लेके जाना है। बाय। तो ये है लीव फॉर्म। मेरे साथ में भी थॉमस भैया है। थॉमस भैया हाय। हेलो, आप कौन से सेमेस्टर के? फर्स्ट सेम। डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी। पहुँचाएंगे मुझे थॉमस भैया गेट तक। और बारिश भी दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ इसलिए बारिश दे रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ भी पता नहीं। औरंग पे जाना है, औरंग पे स्टैम्प लेके आना है। ये जाके गेट पे दिखाना पड़ेगा ना? गेट पे दिखाना पड़ेगा, एंट्री करके। और आते समय भी लेके आना पड़ेगा। आते समय भी लेके आना पड़ेगा। ये शेड्यूल हो चुका है। के बनता है ना? हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चला चला बाय। चल रहा हूं मैजिक पे। अभी हो गया 2:40। मुझे वहां 2:25 से पहुंचना है। मैं रिक्शा पे चल रहा हूँ अभी। एकदम अच्छे से चला रहे हैं रिक्शा भैया। अभी 1:30 हो गया ना, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे क्या? पहुँच जाएंगे ना? 2:25 में। हाँ, 2:25 को है, थोड़ा आगे पहुँचा था लेकिन 2 बजे तक है। ड्रेसिंग चल रहा है अभी, ड्रेस कर रहे हैं। ओ, हम जीत रहे हैं। यस जीत गए भैया। पास चला रहे दूसरा रिक्शा को भी जीतने वाले हैं। ये देखिए दूसरा रिक्शा को भी ओवरटेक। 1, 2, 3 ओवरटेक। यस, इतना लंबा ट्रैफिक, बाप रे। भैया इसको भी ओवरटेक कर देंगे। ये ओवरटेक। चलो हो गया, बाय बाय। गाइस, बारिश तो और बढ़ते जा रहा है। सामने में एकदम भयानक सा बस है, एकदम भयानक सा बस पीछे है। मुझे जल्दी से C3 ढूंढना है। कहाँ पे होगा C3? C3। आप कहाँ जा रहे हो वैसे? अच्छा, आने से बता दीजिए। इधर ही है क्या? ठीक है, तो बाय। ये है C2। C3 पे जाना है। C3। ये रहा C3। फाइनली मिल चुका है C3। September 34 पे पहुंचता है। इतना लंबा सा ट्रेन, बहुत लंबा है। ये है 34 34 विंडो सीट। विंडो यहाँ पे है मेरे। 33 पे कौन है पता नहीं। अनोन AC वाला, देखिए AC यहाँ पे है। ट्रेन 2:25 को जाएगा यहाँ से और पहुँचेंगे 5 बजे तक। 4:58 ऐसा टाइमिंग देते हैं। कितने बजे पहुँचते हैं? टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 2:25। तो अभी ये भी
निकल रहा है ट्रेन एकदम धीरे से, देखो धीरे धीरे कर करके इसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ट्रेन का स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। ये है टॉयलेट, ऐसा होता है। चाउमीन ऑर्डर किया था तो आ चुका है, ये चाउमीन चिली है, ज़्यादा तेल भी नहीं है, चाय साथ में टिश्यू पेपर और ये सॉस खाएंगे। और ये अंडा है, अंडा मैं खुद से बॉईल करके लेके आया था खाने के लिए। बोला था घर में भी ऐसे ही बनता था, घर के जैसे ही बोला था। गाइस अभी ट्रेन रुका हुआ है, लंबा सा ट्रेन। अभी पहुंचने वाले, अभी टाइम हो गया है 4:48 को पहुंच जाएंगे, 10 मिनट बाकी है। लेट्स सी कितना कौन सा देखिए, ये देखिए बोल रहे हैं पहुंचने वाले, एग्जैक्टली 4:58 हो चुका है, पहुँच ही गए। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ दिमापुर, अभी जाना है विंगर के पास, वहाँ पे जाके टिकट बुक करना है। 7 बजे 8 बजे ऐसे ही निकलेंगे यहाँ से, कुछ खा पी के। यस सो दिस इज दिमापुर स्टेशन, यहाँ पे वैसे भीड़ होता है दूसरे स्टेशन से, आज उतना भीड़ नहीं, जब मैं पहले आया था तो बहुत भीड़ था क्रिसमस के टाइम पे। कैसे ये जनरल कैसी बहुत भीड़ था यहाँ पर, सही मैं स्टेशन के बाहर, स्टेशन के बाहर वो ठीक स्टेशन के बाहर से ऊपर जाना पड़ेगा, चलते हैं। अल्लाह पहुँच गए ऊपर, नज़ारा गाइस रेलवे स्टेशन के बाहर, मंदिर भी है सामने में। अभी जाना पड़ेगा, थोड़ा और चलना पड़ेगा। गाइस ट्रेन बहुत टाइमिंग पे पहुँचा है, बोला था कि 4:58 को पहुँचेगा, तो 58 को ही 59 को पहुँच सकते हैं, लेकिन काफ़ी इतना बहुत पंक्चुअल है, अच्छा है, टाइमिंग पे भरोसा कर सकते हैं। मैं अकेले जा रहा हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम है ब्लॉग करके भी जा रहा हूँ। यस गाइस देखते एक्सपीरियंस मज़ा आएगा, देखते देखिए गाइस यही है स्टेशन उस पार। ओके गाइस ये रास्ता थोड़ा भूल गया, चलिए देखेंगे कहाँ पर है, ये होना चाहिए एकदम सही जगह पे। आई रिमेम्बर और भी कीचड़ है, तो और भी ज़्यादा कीचड़ है। ट्रैवल है रिलायंस ट्रैवल, वही से जो मैंने टिकट बुक किया था, किया नहीं था बस रिजर्व किया था सीट, रिजर्व फ्रंट सीट जा रहे हैं मुझे कहाँ पे इनका जहाँ पे शॉप है। टिकट मेरा बुक हो चुका है, ये रहा 800 रुपये लिया है, सीट नंबर 2 मिला मुझे, मैंने एक बोला था बट फिर भी कोई नहीं। जिस 5:20 हुआ है तो टाइम बाकी है, अभी 7:30 को निकलना है यहाँ से, मतलब सब साथ में आना है, वो 8 बजे निकले ऐसा कहा है, वो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ा बाजार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है स्टोर में सामान वगैरह, वो सब देख लेते हैं। मुझे भी ऐसे बस में चलने का मन था, बड़ा सा बस, बहुत कीचड़ है, ऊपर से मेरा वाइट क्रॉक्स, इस तरह से जाना पड़ेगा, गाड़ी आ जाएगा गंदा कटेगा। स्क्वायर वाला पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा वॉच का खजाना है गाइस यहाँ पे देखिए। सबसे सस्ता तो कितने में मिलता होगा यार, सबसे सस्ता प्राइस 50 का भी मिलता है, कौन सा वाला 50 का मिलता है। ये होटल पे आए हो, आलू के पराठे खाने वाले हो, चिकन राइस नहीं आलू पराठा खाऊंगा। मैंने चश्मा तो नहीं लिया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो मिला नहीं, तो मैंने एक शर्ट ले लिया ये बस। आलू का पराठा सभी में, रिलायंस ट्रैवल के बाहर ही हूँ, और बोला जा रहा है कि 7:30 नहीं 8:30 को जाएंगे, तो मुझे और एक घंटा रुकना पड़ेगा, अभी 7:27 हो चुका है तो रुकना पड़ेगा सही, उसके बाद जाएंगे सुबह को पहुँच जाएंगे, लाइक 9:10-11 बजे तो पहुँच जाएंगे आई गेस। सभी जाने वाले हैं।
कोहिमा पे हैं। सभी टाइम से है 9:10:50 सर। वॉशरूम जाने के लिए रुके थे, वहाँ पे गाड़ी है। गाइस अभी मैं मऊ में आ चुका हूँ। कह रहे कि 4-5 बजे जाने देगा, अभी नहीं उठना पड़ेगा अभी 4-5 बजे तक। अभी जस्ट 12 ही बताए लाइट। ओके यहाँ पे लाइट दुकान भी है, समोसा वगैरह मिलता होगा। ठंड है यहाँ पे बहुत, तो लिटरली गाइस यहाँ पे बहुत ठंड है मऊ पे। यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे वो चला इसलिए दिखाई देगा ना, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मैं भी चल रहा हूँ अपने विंगर पे, वहाँ पे ताकि कुछ खा लूँगा। मैं आलू के पराठा पैक किया था तो खा लूँगा, और कुछ बटाना केक पानी पी लूँगा बस। अंधेरा ही अंधेरा, बाहर है अंधेरा। मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, वहाँ पे विंगर पे भी खा सकता था लेकिन सब लोग सबके सामने में एक अलग है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए यहाँ पे आके खाई खा दूँगा। ठीक है, पता नहीं खाने देंगे कि नहीं देंगे, मैं तो एक्स्ट्रा लाया था। देखते हैं, अच्छा यहाँ से चाय ले लूँगा। देखते हैं कॉफ़ी, आलू का पराठा लाया था खाई। ठंडे बाहर ब्रो, उसको गरम कर दें क्या? सिखाने वाला था लेकिन भैया बोले कि गरम कर देंगे। अच्छा है, तब तो कॉफ़ी पी लेता हूँ। ठंडे ठंडे कॉफ़ी तो गर्म है, अच्छा है, मौसम के साथ मैच कर रहा है। चुका है गर्म गर्म पराठा, अच्छा लगा मुझे मिल के। आपका नाम? हाय कन्हैया। नैया इस जगह का नाम क्या? माऊ। कोई क्या बोलते हैं, माऊ ही है ना ये भी? हाँ ये भी माऊ है, लेकिन एक्चुअली मैं तो मेन बाजार आगे है। अच्छा। और यहाँ पे स्कैनिंग से ये न्यू गेट बनाया है ना, तो न्यू मार्केट जैसा ये बन गया हुआ है। अच्छा। आज संडे, इसके लिए पूरा दुकान खुला नहीं है, नहीं तो बाद में भी खुलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, चार पाँच दुकान खुल देंगे। गर्म कर देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे। ओके ठीक है, चलते हैं। ठीक है, बाय। सामने पे है गाड़ी, अभी जाके सो जाऊँगा, देखते हैं नींद भी आता है कि नहीं, ट्राई करूँगा, सुना तो पड़ेगा। 5 बजे निकलना है यहाँ से। ठीक है, वो भैया अच्छा थे वैसे ही, उन्होंने गरम करके भी दे दिया, अच्छा था। ठीक है भाई, गुड नाइट भाई। अभी टाइम हो चुका है 3:51। सभी लोग गए आई एल पी कार्ड बनाने के लिए, उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से लगभग 4:10 ऐसे में निकल जाएंगे। ठीक है, सोया नहीं मैं, नींद भी नहीं लगा थी, रात खराब हो गया। होता है कंफर्टेबल ही नहीं था इसलिए नींद लगता ही। पानी ले लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद चला जाऊँगा मैं भी। ठीक, गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए ब्यूटीफुल सा नज़ारा। गुड मॉर्निंग हो ही गया, क्या करे, रुकना पड़ा बहुत। टाइम भी कितना हो गया है, 4:35 हो चुका है। आज का नज़ारा देखिए, इतना अच्छा खूबसूरत है, वाह। बहुत ठंड है इसलिए मैं मास्क भी लगा दिया। ये देखिए पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा है, नींद नहीं लगा रात भर, सोने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नींद नहीं आया बिल्कुल। घर जाके सो जाऊंगा, अभी तो नींद आएगा ही नहीं। मैं भी चलता हूँ फिंगर के पास।
लगभग होने वाला है, तो 5 तो बज ही जाएगा, 5 तो बज ही जाएगा, कर पसते पसते 11-12 हो जाएगा। ठीक है, बैटरी भी बहुत कम है मेरा। जा गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ फाइटिंगा पे और गाड़ी को वेट कर रहा हूँ। अभी मैजिक डी आई पता नहीं क्या आया, उसको वेट मैं। और ये फाइटिंगा को पूरा लुक्स ही चेंज हो गया, देखे टकला हो गया पूरा खाली खाली। ये देखिए गाइस, फाइटिंगा पूरा चेंज लगता है, एकदम बड़ा रास्ता बना गया। अभी टाइम हो चुका है 7:50 को पहुँचा दिया मुझे यहाँ पे। वेट करना है, बहुत टाइम लगता है गाड़ी आने के लिए, अभी तक भी नहीं आ रहा है ना। वेट कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम लग रहा है। आधा घंटा ही हो गया है, 8:24 हो गया है, 8 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं। और वेट करें गाइस, 8:44 हो चुका है और अब आ रहा है मैजिक। देखिए चल चुका हो फाइटिंग का पूरा 45 मिनट्स मेरे यहाँ पे वेस्ट हुआ है। ओह गाइस, पहुँच गया हूँ, अभी मुझे पैदल पैदल चलना पड़ेगा। मौसम भी देखिए इतना ख़राब है, पीछे कभी भी बारिश हो सकता है और कभी भी धूप, इतना शाम चल रहा है। हो रहा गाइस, देखिए तो गाइस देखते हैं कि ग्रम्पी मुझे पहचानता है कि नहीं। मास्क भी लगाया हूँ, टोपी भी लगाया हूँ, देखते हैं पहचानता है कि नहीं। आवाज़ बोलूँगा तो शायद पहचान ले जाएगा, तो पहले आवाज़ से अब बोलूँगा नहीं, देखते क्या होता है। फेपुला मोम मेरा नाम निमा तामाङ, आशिषको मम्मी। ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, सन्चै छु। कस्तो छस्? म पनि ठिकै छु। ग्रम्पीलाई भेट्नु थियो, ग्रम्पीको रियाक्सन कहाँ छ? बच्चा छ ल, मलाई टोक्छ होला अब ग्रम्पीले। होइन, म च्यालेन्ज गरेको थिएँ कि, अब मास्क लगाएर चिन्छ कि चिन्दैन भनेर नि। खोइ खोल्नु ल, मार्छ ल ग्रम्पीले। यो सिस्टर रुम मलाई चिनिनस्, म मिस्टर आशिष तामाङ। आइज, मलाई निकै भोग्रेट स्टेट हो कतिर नानी। ओ क्युटी क्युटी, कालो कालो रहेछ है, बस त गरेछ मजाले, बस चिनिस् नि मलाई है। बच्चा फोन छ, लाइट डाउन टोटोस् त मलाई त फ्ल्यास लाइट। बोलाउँदैछ हजुर, वा ब्ल्याक, पुरा ब्ल्याक छ त सबै। कम्पी मैले के भयो सुमन, बसै मजाले म जान्छु, गले छु म ल, एकदम गलेको छु। के गाइस, रुम पे आ चुका हूँ। मैंने कहा था कि वो मुझे पहचानेगा नहीं, लेकिन जब मैं बोलूँगी तब मुझे पहचानेगा। तो जैसे मैंने बोला उसने मुझे पहचान दिया, नहीं तो शुरू में मुझे भौंकने वाला था वो ठंडो। यस ओके, वैसे मैं उन लोग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय गाइस।